Welcome back, dear students. Today, I'm going to teach you some vocabulary related to food. आप खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स जाते हैं या फिर पार्टीज में जाते हैं या कभी कभी मैरिजेस या फिर घर पे भी कभी कभी बहुत सारे पार्टी या फिर घर पे भी आप अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो खाने के बारे में आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं कि खाना बहुत टेस्टी था, खाना बहुत अच्छा नहीं था, खाना पका हुआ था ज्यादा, खाना कम पका हुआ था, जो मैंने मिठाई खाई थी वो बहुत ही मीठी थी यानी ज्यादा मीठा था, मिठाई में कम मीठा था। इस प्रकार से आप बातें करते हैं या फिर एक जो खाना सजा हुआ था देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था या फिर एक स्वीट मैंने ऐसी खाई जिसको देखकर मुझे बार बार खाना ज्यादा खाने का मन कर रहा था यानी उसको खाने का ही मन कर जा रहा था। तो जब हम इस प्रकार से बातें करते हैं तो क्या वर्ड्स यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम इनके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट एनी फर्दर डिले। आई नो यू आर एंजॉयिंग योर लर्निंग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, यू प्रैक्टिस एवरी डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। You guys are extraordinary and extraordinary students. I have come up with some extraordinary words. So my first word is undercooked. जब खाना कम पका होता है आप खाना लेने के लिए स्टॉल की तरफ जाते हैं और खाना ले लेते हैं प्लेट में और जब आप पहला यानी बाइट लेते हैं खाते हैं तो आप क्या देखते हैं, खाना कम पका हुआ है यानी आपको खाना अच्छा नहीं लगता। तो आप जब कम पका हुआ खाना होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरकुक्ड। फूड इज अंडरकुक्ड। जब खाना ज्यादा पका हुआ होता है तो हम उसको बोल देते हैं ओवरकुक्ड। ओवरकुक्ड फूड इज ओवरकुक्ड। खाने में जब ज्यादा नमक होता है तो हम उसको बोलते हैं Food is salty. खाना बहुत ही सॉल्टी है यानी कभी कभी आप कहते हैं मामा या मॉम दीदी खाने में तो नमक ही नहीं है या खाना ज्यादा सॉल्टी है। Food is salty. जब आप मिठाई खाते हैं और मिठाई आपको ज्यादा मीठी लगती है, मिठाई मीठी होती है और कभी कभी क्या होता है मिठाई में भी ज्यादा मीठा हो जाता है तो आप उसको बोलते हैं Sweetened. दूध में मीठा है, दूध कैसा है मीठा, the milk is sweetened. ज्यादा मीठा होता है तो ओवर स्वीटेंड, the sweet मिठाई यानी स्वीट, the sweet is ओवर स्वीटेंड. अगर मीठा नहीं है तो अनस्वीटेंड, the sweet is unsweetened. कभी कभी आप मिठाई तैयार करते हैं या फिर आपके पेरेंट्स से कोई भी और उसमें आप मीठा डालना भूल जाते हैं यानी शुगर डालना है कुछ भी डालना भूल जाते हैं तो वो मीठी तो रहती नहीं है तो उसको हम बोलते हैं द स्वीट इज अनस्वीटेंड। या फिर ज्यादा स्वीटेंड होती कम स्वीट हो मीठा होता है तो उसमें बोलते हैं अंडर स्वीटेंड। द स्वीट द मिल्क इज अंडर स्वीटेंड। जब कच्चा खाना होता है जैसे वेजिटेबल्स होती है इनको हम तो क्या बोलते हैं सभी को जो भी फ्रूट्स होते हैं हम उनको बोलते हैं रॉ फ्रूट, कच्चा खाना। बहुत लोगों को मुझको भी पर्सनली रॉ फ्रूट बहुत पसंद है जैसे फ्रूट्स सैलेड तो मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक रॉ फ्रूट। कच्चे खाने को हम क्या बोलते हैं रॉ फ्रूट। यम्मी। जब आपकी मामा कुछ भी केक बनाती है करके या कुछ बनाती है आप बोलते खाना बहुत टेस्टी है, the food is yummy. या फिर इसको हम बोल सकते हैं delicious. The food is delicious. The food is yummy. You know, when my mom cooks, I always say, mom, you cook yummy food. You cook delicious food. आपकी मामा भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट yummy delicious food बनाती होगी। I know. क्योंकि मॉम से होती है हमेशा delicious food ही बनाती है। My next word is prepare meal. Meal यानी खाना food
prepare means to cook, to make, यानी खाना बनाने के लिए हम prepare meal भी लगाते हैं. My mom prepares delicious meal. Your mom also prepares delicious meal, yummy meal. Palatable, palatable जब आप शादियों में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, आप देखते हैं खाने की जो सजावट है वो बहुत ही शानदार है. या फिर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहां पे वेटर आपके सामने खाने की प्लेट लेके आता है और जिस तरह से उसने खाने को सजाया हुआ होता है वो आपको बहुत अच्छा लगता है. तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेटेबल. प्लेटेबल, द फूड इज प्लेटेबल. ओके, माय नेक्स्ट वर्ड इज शुगरी. जो खाने में ज्यादा मीठा होता है इसको हम ओवर स्वीटेंड भी बोल सकते हैं और शुगरी, यानी जिन चीजों में मीठा होता है उनको हम शुगरी बोलते हैं. जैसे कोई भी फूड है उसमें अगर दिस फूड इज शुगरी, यानी इसमें चीनी है या इसमें मीठा है या फिर इसमें ज्यादा मीठा है. मॉरिश, आपकी मम्मा कभी कभी ऐसा फूड बनाती है जिसको आप खाने का बहुत ही मन करता रहता है, मम्मा और लाइए. मेरी मम्मा जो फूड बनाती है, पनीर बनाती है, तो मम्मा से कहता रहता हूँ मम्मा और लाइए और लाइए, यानी आपकी जो डिजायर होती है खाना खाने की वो बढ़ती जाती है. जितना ज्यादा फूड आप खाते हैं द मोर यू ईट द मोर यू फील मॉरिश, यानी आपकी इच्छा खाने की बढ़ जाती है. तो जब आपको किसी खाना खाने के बाद किसी उस खाने को इच्छा और बढ़ जाती है उसे बोलते हैं मॉरिश. I feel मॉरिश for this food. Sumptuous. Sumptuous means जो खाना आप जाते हैं होटल्स में, फाइव स्टार होटल्स, सेवन स्टार होटल्स, तो वहां पे क्या होता है आपको क्वालिटी फूड मिलता है, एक्सपेंसिव फूड मिलता है, तो उसको बोलते हैं sumptuous. Yesterday I went to a restaurant and I ate sumptuous food, यानी क्वालिटी फूड, महंगा फूड, अच्छा फूड खाया आपने. इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं sumptuous food. Sumptuous का यूज हम अदर वर्ड्स के लिए भी, अदर कॉन्टेक्स्ट में कभी कर लेते हैं, लेकिन खाने के लिए भी हम बहुत यूज करते हैं sumptuous. My next word is mouth watering. पता है मेरी एक आंटी है, जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ, जब भी वो खाना बना रही होती है, दोस्तों इसे जो महक आती है, जो अरोमा आती है खाने की, महक को हम क्या बोलते हैं? Let me write it. अरोमा, जो खाने की महक होती है उसको हम बोलते हैं अरोमा. जो महक होती है वो इतनी शानदार होती है कि जो माउथ में पानी आ जाता है कि आप तो मैं खाना खाते ही जाऊंगा. तो वो महक, वो अरोमा खाने की, जिसकी वजह से आपके माउथ में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा खाना उसे बोलते हैं माउथ वॉटरिंग फूड. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं माय माउथ इज वॉटरिंग. आपने एक खाना देखा, उसको देख के आपके मुंह में पानी आ गया, वाओ द अरोमा इज वेरी नाइस, माय माउथ इज वॉटरिंग. This food is mouth watering. यानी खाना अगर टेस्टी है उसकी महक, उसके अरोमा से ही आपके मुंह में पानी आ गया. So, I revise again. Undercooked, जब खाना पका होता है. Overcooked, यानी जब खाना ज्यादा पका होता है. Salty, यानी जब जिस खाने में नमक होता है. Sweetened, यानी जब मीठा होता है. Oversweetened, इसमें ज्यादा मीठा होता है. Unsweetened, इसमें मीठा नहीं होता है. खाने की जो सजावट है वो बहुत ही शानदार है. अरोमा यानी खाने की खुशबू. शुगरी यानी जिन चीजों में मीठा यानी शुगर होती है तो हम शुगरी बोलते हैं. मॉरिश, जो खाना खाने के बाद आपको और खाने की जो इच्छा या जो डिजायर होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरिश. दैट इज एन एडजेक्टिव. सम्प्टुअस यानी जब आप रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जाते हैं और वहां पे बहुत महंगा या क्वालिटी फूड खाते हैं उसको बोलते हैं सम्प्टुअस. कुछ लोग बताए कैसे होते हैं, वो खाना खाने जाते हैं, खाने की पिक्चर्स लेते हैं,
अब फिर उसको पोस्ट करते हैं, वाओ आई हैड अ सम्प्टुअस फूड टुडे, यानी मैंने क्वालिटी खाना खाया, महंगा खाना खाया। इस वर्ड्स को बहुत यानी अदर कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, माउथ वाटरिंग, यानी एक खाना ऐसा जिसकी अरोमा मात्र से ही यानी महक मात्र से ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, उस फूड को भी रेशियो बोलते हैं माउथ वाटरिंग। सो आज के लिए बस इतना ही, होप यू अंडरस्टूड टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।